पहले हमदर्दी और फिर धोखा, ये तस्वीर बुरी तरह परेशान कर देगी। 8 महीने के बच्चे को मां की गोद से उठाकर ले गए दो लोग। इन चेहरों को ऐसे देखिए कि दिमाग में उतर जाए। पैंतालीस से 50 साल की उम्र वाला ये शख्स और 35 से 40 की उम्र वाली ये महिला, दोनों ने मिलकर एक मां के साथ विश्वासघात किया है, उसकी कोख सूनी कर दी है। मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड से एक महिला का बच्चा चोरी किया गया। चोरी करने वाले महिला और पुरुष पहले बच्चे की मां से दोस्ती करते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। दोनों ने बच्चे की मां को खाना खिलाया और बस स्टैंड में सो गए। जब उन्हें भरोसा हो गया कि मां गहरी नींद में चली गई, तो इनके अंदर का शैतान जाग गया। वीडियो में दिख रहा है कि महिला सोते हुए बच्चे को गोद में उठाती है और कपड़े से ढककर मौके से फरार हो जाती है। बाहर निकलते वक्त दो पुलिस वाले भी खड़े दिखते हैं, लेकिन इन पर उसका कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप अपने रास्ते हो लेते हैं। पुलिस वाले को देखकर ना तो ये घबराते हैं और ना ही इनकी हरकत पर किसी को शक होता है। इनका बिल्कुल सामान्य रहना ये बताता है कि ये पेशेवर हैं, शातिर हैं। वो 12 बजे का टाइम था, तो मुझे नींद सी आ गई, मेरा हाथ पे लिटा हुआ लड़का, तो वो मेरे लड़के को ले गई, मुझे पता नहीं चला। 20-25 मिनट मतलब लिटी में, तो मुझसे एक लड़के ने कही रोल मचा के कि तुम्हारा लड़का गया। दरअसल पीड़ित महिला करीब 1.5 महीने से रेलवे स्टेशन पर रहकर गुजारा कर रही थी। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है।